एक तो जो खबरें लगातार इंदौर से ट्रेंड कर रही है कि जनाजे बहुत पहुंच रहे हैं जो कि आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कितना सर कंसर्न है इस खबर को लेकर आप? देखिए, अभी उसकी हम लोगों ने ये बात आई थी कि ज़्यादा जा रहे हैं, ये कुछ संख्या में हल्की फुल्की संख्या में बढ़े भी हैं जो हमने पता लगाया है। उसके एग्जैक्टली मेडिकल रीजंस क्या हैं, क्योंकि उनके घर वालों से जो पता लगाया है, जो मेरी काजी साहब से बात हुई, वहाँ के जो जनप्रतिनिधियों से बात हुई, वहाँ के जो अन्य मौलवी हैं उन लोगों से बात हुई, उनमें किसी प्रकार के भी कोरोना सिम्टम्स नहीं थे उनके, तो सर्दी खांसी छींक इस तरह कोई बात नहीं थी उनमें, तो वो थोड़ा डिटेल पता लगाना पड़ेगा क्या कारण था। पर ये बात सही है कि थोड़ी कुछ हद तक संख्या बढ़ी है, इसीलिए हम लोगों ने 200 घरों पे जितने भी मेन हमारे सेंटर्स थे जहाँ फैला था ये, उसमें हर 200 घरों पे टीम लगा दी है, सब वर्क करना शुरू कर दी है। अब मैं इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो उस मोहल्लों के हैं, चाहे खजराना हो, चाहे हाथीपाला वाले एरिया, दौलतगंज एरिया हो, चाहे चंदन नगर हो, उनको बोला है कि जो टीम्स हमारी जा रही है, जो डॉक्टर्स जा रहे हैं, उनको खुल के बतलाएँ, वो किसी को भी समस्या है कुछ हम उसको अस्पताल ले जाएंगे, हमारे पास सुविधा है, कैपेसिटी है अस्पतालों में, डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे वो, पर छुपाए ना कोई भी, इसको भी हम लोगों ने बोला है। सर, एक और अध्ययन हमने किया कि जो देखिए, अभी डॉक्टर पंजवानी की क्लिनिक 28 तारीख तक चली है, जब 29 तारीख से ही हम लोगों ने सख्ती की थी और उसको हम लोगों ने सारी क्लिनिकें बंद कराई थी यहाँ की। क्लिनिक भी बहुत बड़ा पोटेंशियल रहता है इस तरह के संक्रमण के फैलाने का, हो सकता है कुछ केसेस उनके आए हों जिसमें कि उसी वजह से आए हों केसेस, जो अभी केसेस आए हैं कुछ, अब वो लिस्ट तो अभी ली नहीं है हम लोगों ने कि पूरे कितने हैं, पर अब ये है कि इसी परिस्थितियों में जहाँ कोई केस आएगा ऐसा, तो उसको हम ट्रीट करेंगे हम लोग। बढ़ाई जाएगी, आवश्यकता लोग महसूस कर रहे हैं इसकी काफ़ी, खासतौर पर जो जानकार है मेडिकल फील्ड के। अभी मुझे लगता है कुछ दिन तो बढ़ानी पड़ेगी, पर अभी आज 10 तारीख है, देखते हैं किस तरह से 14 तक यह स्थिति रहती है, पर सब चीज़ें सेटल और हो भी जाती हैं तो भी मेरा मानना ये है कि कुछ दिन तो अभी बढ़ना चाहिए ताकि स्टेबलाइज हो जाए पूरी चीज़ें, किसी प्रकार का शक शुबा न रहे, पूरी तरह से वायरस मुक्त हो जाए शहर। ये जब तक ये वायरस मुक्त नहीं होगा शहर, तब तक तो अवधि रखनी पड़ेगी, पर एक बार एनालिसिस करेंगे हम लोग 12-13-14 तारीख को। जोमेटो स्विगी दोनों को अनुमति दे दी है हमने, वो लगा उसमें चालू करने की अनुमति दे दी है उनको, अब कर्फ्यू पास और वाहनों के पास एडीएम तोमर साहब से लेने हैं, लिए नहीं लिए मुझे आइडिया नहीं है, पर ये अनुमति परसों हो चुकी है इनकी। हाँ करेंगे, ये तो घर होम शॉप हो, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये बुकिंग आएगी घर पर जाकर सप्लाई करेंगे अपने वाहनों के माध्यम से। सर, कर्फ्यू की मियाद जो है क्या?